मालवा का पठारी प्रदेश। तो अब हम यहाँ पे जो है मालवा के पठारी प्रदेश के बारे में बताया गया है। मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली विश्व में प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो कि मोड़दार पर्वत है। माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो है गिरी केंद्र है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि माउंट आबू जो है वह इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो है गिरी केंद्र है। वह सुंदर एवं रमणीय है। गुरु शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है और उसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर की है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस जो है दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली जो है चंबल और बेतवा नदी जो है वह उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलती है, तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह की ओर जो है दिशा पर से इन नदियों के प्रवाह की दिशा जो है वह जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल जो है उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के इस उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदियां उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों में से निकलती है। ये नदियां कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम तरफ है और राजमहल के पहाड़ियों तथा शिलोंग का पठारी प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का एक भाग है, जो छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो है रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सोन नदी जो है उत्तर की ओर से बहकर गंगा में मिलती है और इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि पठारी प्रदेश का ढाल जो है उत्तर की ओर है और मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के इस उत्तर पूर्वी भाग को जो है बुंदेलखंड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है लूणी और बनास नदियाँ उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित अरावली के पहाड़ियों में से निकलती है। ये नदियाँ जो है कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, जबकि साबरमती और मही नदी जो है खंभात की खाड़ी में मिलते हैं। उसके बाद आगे हमें बताया गया है कि दक्कन का पठारी प्रदेश। मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा महादेव तथा मेकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा जो है पश्चिम घाट द्वारा निर्धारित होती है, जो कि अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण में व्याप्त हुआ है और उसके अनेक जो स्थानीय नाम है महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है उसे सह्याद्री कहते हैं और तमिलनाडु में उसे नीलगिरी के नाम से भी पहचानते हैं। केरल तमिलनाडु की सीमा पर उसे जो है अन्नामलाई और कोडेमम का पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग प्रमाण में अधिक ऊँचा है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित है सतपुड़ा महादेव मेकल के पहाड़ियाँ, इनमें जो है दक्षिण के पठारी प्रदेश है और पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिम भाग जो है मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित है। इसकी जो है पश्चिम की ओर की सीमा जो है पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है, जो कि अरब सागर के किनारे स्थित जो है उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है उसे सह्याद्री कहते हैं, तमिलनाडु में उसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, केरल तमिलनाडु की सीमा पर जो है उसे अन्नामलाई और कोडेमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। यद्यपि कुछ स्थानों पर वे एकाएक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती है, बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 900 मीटर से अधिक है इस पठारी प्रदेश की सीमा बनती है, उसे जिसे पूर्वी घाट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि सामान्यतः जो है दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के बीच की रहती है और कुछ स्थान पर जो है वे एकाएक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती है और बहुत कम ऊंचाई वाली जो है अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी जो है ऊंचाई कहीं कहीं पर 900 मीटर से अधिक भी है, तो इसे जो है पठारी प्रदेश की सीमा बनाती है, जिसे जो है पूर्वी घाट कहते है। इस विस्तार का सामान्य ढाल जो है पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिनसे नदियों के प्रवाह की ओर के दिशा के आधार पर भी जाना जा सकता है। नर्मदा तथा तापी उसके बाद जो है वह बताया है कि जो पश्चिम की ओर बहती है और छोड़कर दक्कन पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह से नर्मदा तथा तापी को छोड़कर दक्कन के पठारी में जो है अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती
उसके बाद यहाँ पे हमें आगे जो है तटीय मैदान यानी कि जो समुद्री तटीय मैदान है उसके बारे में बताया गया है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक जो है मैदानों की संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे जो है पश्चिमी तथा पूर्वी तथा जो है पश्चिम तटीय मैदानों के रूप में बांटा गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात के केरल तक फैला हुआ है और गुजरात के अलावा यह अधिकांशतः जो है संकरा मैदान है। यह बहुत ही असमान और उबड़ खाबड़ है और गोवा से दक्षिण तक इसे जो है मलबार तट कहते हैं। तो इस तरह से यह जो फैला हुआ है यह गुजरात के अलावा जो है अधिकांश संकरा मैदान है और यह जो है बहुत ही जो है असमान और उबड़ खुबड़ है और गोवा से दक्षिण तक इसे जो है मलबार तट भी कहते हैं। पश्चिमी तट की नदियाँ अपने डेल्टा क्षेत्र के खाड़ी का निर्माण करती है। ऐसी अधिकांशतः खाड़ियाँ नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियाँ है जो कि समुद्र तट के उभरने से बनी है। यह मत्स्य प्रवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती है जो पश्चिमी तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है जिनमें की जो है मुंबई तथा मार्मा गोवा का समावेश होता है और दक्षिण के केरल तट पर जो है पश्च जल यानी कि बैक वाटर्स देखने को मिलता है। उसे स्थानीय भाषा में जो है लोग कायल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो है पूर्व तटीय मैदानी पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अनुपात में अधिक चौड़ा है। यहाँ जो है कावेरी कृष्णा गोदावरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में काव का निक्षेपण हुआ है। उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तटीय प्रदेश जो है वह कोरोमंडल तट के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें जो है द्वीप समूह के बारे में बताया गया है। द्वीप समूह भारत में कई द्वीप समूह आए हुए हैं और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है मुख्य द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में अनेक छोटे छोटे जो है द्वीप आए हुए हैं। अरब सागर में केरल तट से थोड़ी दूरी पर आए ये द्वीप स्थित है। उनका आकार घोड़े की नाल जैसा है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को जो है एटोला कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो है द्वीप समूह आए हुए हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह आए हुए हैं और लक्षद्वीप के जो है उसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप भी आए हुए हैं। अरब सागर में केरल तट से जो है थोड़ी दूर पर ये स्थित है और इनका आकार जो है घोड़े के नाव जैसा है और इस प्रकार के जो प्रवाल द्वीप है उन्हें एटोला कहते हैं। अन्य द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समावेश भी होता है। यह द्वीपों की संख्या अधिक है और ये भारतीय तट से दूर है। वह पर्वत श्रेणियां भी है। इनमें कुछ द्वीप जो है ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हुए हैं। ये द्वीप 350 किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं। ये व्यूहात्मक सुरक्षा के दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि फिर जो है इस तरह जो है भारत के भूपृष्ठ में हमें विविधता देखने को मिलती है। प्रत्येक भाग की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता होती है और फिर भी सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े हैं। देश की समृद्धि में उनका जो है विशेष योगदान है। वे वन्य संसाधनों के लिए भी उपयोगी है। उत्तर के उपजाऊ काप के मैदान को जो है अनाज का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का जो है पठारी प्रदेश विविध खनिज संसाधनों से समृद्ध है जिससे देश के औद्योगिक विकास को भी गति प्राप्त होती है और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विपुल जल राशि वाला जो है नदियों का उद्गम स्थान है। साथ साथ वह संसाधन की विविधता के लिए भी मशहूर है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से उत्तर और दक्षिण जो मैदान है वे दोनों ही जो है हमारी यहाँ पे विकास में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे हम यहाँ पे जो है चट्टान के बारे में जानेंगे। एक या उससे अधिक खनिजों से बने संगठित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताएं एक या एक से अधिक जो खनिजों से बने हुए संगठित ठोस पदार्थ होते हैं उससे जो है हम यहाँ पे चट्टान कहते हैं। चट्टाने कठोर और मृदु भी हो सकती है, छिद्रालु और अछिद्रालु तथा वजन में भारी और हल्की भी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि चट्टाने जो है कठोर और जो है मृदु यानी कि नरम भी हो सकती है, छिद्रालु और अछिद्रालु तथा वजन में भारी और हल्की भी होती है। विविध प्रक्रियाओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के तीन प्रकार है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है
परतदार यानी कि जलकृत या अवसादी चट्टान, उसके बाद है रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे हमें जो है चट्टानों के तीन भाग बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान है उसका जो है यहाँ पे दो भाग है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य जो है भाग इसमें ज्वालामुखी का भी समावेश होता है और आंतरिक भाग जो है इसमें अंतस्थ और मध्यस्थ का समावेश होता है। उसके बाद हमें बताया गया कि चट्टान जो कि दूसरा उसका जो भाग है परतदार, इसमें जो है चट्टान पदार्थ निर्मित का समावेश होता है और उसके अंतर्गत जो है रेती की चट्टान, मिट्टी की चट्टान और जो गोलाशम यानी कि कांग्लोमरेट है उसका समावेश होता है और रासायनिक पदार्थ निर्मित है। उसके बाद बताया कि जैविक पदार्थ निर्मित भी है जिसमें जो है चूना चट्टान और कार्बन युक्त का समावेश होता है। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो रूपांतरित है या फिर चट्टान उसके विषय में कि स्थानीय रूपांतरित और जो है प्रादेशिक रूपांतरित। तो इस तरह से इन सभी का जो है विभाजन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में बताया गया है। इन चट्टानों के निर्माण में भूगर्भ में रही प्रचंड गर्मी जिम्मेदार है। भूगर्भ में गर्मी के इस प्रचंड प्रमाण के कारण जो है भूगर्भ हमेशा जो है दहकता रहता है, जिससे वह स्थित सभी पदार्थ जो है अर्धद्रव स्थिति में होते हैं। उन पदार्थों को जो है मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण करता है। यह चट्टान गर्मी के प्रभाव से निर्मित होती है, इसलिए इसे जो है आग्नेय या अग्निकृत चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो चट्टान है इसके लिए जो है पृथ्वी के अंदर रही हुई जो प्रचंड गर्मी है वह जिम्मेदार है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पृथ्वी का जो भूगर्भ है वह हमेशा दहकता रहता है और यह जो है अर्धद्रव स्थिति में रहते हैं। उन पदार्थों को जो है मैग्मा कहते हैं और मैग्मा जो है ठंडा होकर यहाँ पे चट्टान का रूप धारण करता है। तो गर्मी के प्रभाव से निर्मित होता है यह, इसलिए इसे जो है अग्निकृत चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान कहते हैं। भारत में जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कई स्थानों पर ऐसे चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान सबसे अधिक कठोर होती है। ग्रेनाइट अंतस्थ प्रकार के चट्टानों का प्रसिद्ध दृष्टांत है और बेल्साइट भी इस प्रकार की चट्टान है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पे जो है परतदार चट्टान के विषय में बताया गया है कि पानी तथा अन्य जो है बलों के संयुक्त प्रभाव से आग्नेय चट्टानें टूटती है और चट्टानों के टुकड़े जल द्वारा निक्षेपित होते हैं। उन तब जो है उनसे परत बनती है और इस तरह जो है चट्टान के टुकड़ों तथा जो है चट्टान के बोझ का विविध स्तरों के निक्षेपण होता है। सर्वप्रथम निर्मित और सबसे नीचे की परत पर जो है उसके ऊपरी बनी परतों के वजन दबाव के कारण जो है दबाव पड़ता है और आने वाले युग से जो है युग में उससे परतदार चट्टानें तैयार होती है। इसलिए ऐसी चट्टानों को जो है परतदार या जलकृत चट्टान कहते हैं। सेलखड़ी, जिप्सम, चूना पत्थर और कोयला परतदार चट्टान के श्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार और झारखंड वगैरह जो है राज्यों में से कोयला और जिप्सम मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पानी और अन्य जो है बल उनके संयुक्त प्रभाव से जो है आग्नेय चट्टान जो निर्मित होती है वह टूटती है और चट्टानों के टुकड़े जब जल द्वारा निक्षेपित होते हैं तो उनसे जो परत बनती है और इस तरह से जो है चट्टान के टुकड़े अथवा चट्टानों का जो बोझ है वह विविध स्तरों पर जो है निक्षेपण हो जाती है। तो उनके ऊपर बनी हुई परतों के वजन के दबाव के कारण जो है यह पड़ता है और आने वाले युग में जो है परतदार चट्टानें तैयार होगी। ऐसी चट्टानों को जो है परतदार या फिर जलकृत चट्टान भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि बिहार झारखंड वगैरह राज्यों में जो है कोयला और जिप्सम हमें मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है रूपांतरित चट्टान के विषय में बताया है। कुछ विशिष्ट परिस्थिति के मूल चट्टानों का स्वरूप, संरचना और गुणधर्म रूपांतरित हो जाते हैं। वास्तव में उच्च तापमान और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव इन दो मुख्य परिबलों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय और परतदार चट्टानें एकदम नया रूप धारण करती है और इन नवनिर्मित चट्टानों को जो है रूपांतरित चट्टान कहते हैं। राजस्थान से मिलने वाली संगमरमर, मार्बल और जो है क्वार्टजाइट इसके उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसमें जो है कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मूल चट्टान जो है उसका स्वरूप और संरचना जो है उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, तो जिसकी वजह से यह जो है रूपांतरित चट्टान जो है यह निर्मित होती है। और इसका जो है मुख्य उदाहरण हमें यहाँ पे जो है मार्बल का बताया गया है जो कि हमें राजस्थान से मिलता है।